मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को होने वाली विधानसभा चुनावों को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पर हमलावर होने लगी है। दो दिन पहले पूर्व कानून मंत्री रविशंकर ने कांग्रेस की नीति पर सवाल खड़े किए थे। वहीं आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के चुनाव प्रभारी जयभान सिंह पवैया ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि खरगोन के कांग्रेस प्रत्याशी ने हमास के आतंकवादी संगठन के लोगों के लिए श्रद्धांजलि सभा की थी। शिकायत क्यों कर रही है चुनाव आयोग के पास जाकर, और इसलिए ऐसा अवसरवादी दल जो माथे पर चंदन लगाकर पहले वोट मांगने की कोशिश करता है और काम नहीं चला तो हरे चादर से अपने माथे को ढकने की भी कोशिश करता है, और इसलिए मैंने पहले कहा इसको भक्ति का काल देवी संस्करण कहा। गरीबों के कल्याण के मामले में झूठे वादे करने वाली कांग्रेस के कारतूस इस बार चुनाव से पहले गीले हो गए। कुछ एनजीओ कमलनाथ जी का घोषणा पत्र बनाती रह गई तब तक शिवराज सिंह जी ने पैसा भी खातों में डाल दिया, और इसलिए हताशा में डूबी कांग्रेस इस समय मध्य प्रदेश में हिंदू विरोधी तुष्टीकरण की नीति पर आमादा होगी। मुझे आप सबके सामने आज उसकी इस नीति के बारे में ही कुछ बोलना था। आप इतने शीर्ष नेता की किसी बैठक के बारे में जिसको आपने सुना ही नहीं है तो वो हमारी पार्टी की रणनीति, चुनाव लड़ने का तरीका है, उसके बारे